हेलो दोस्तों, सेवन की किचन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लेके आया हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी से एक ऐसे पराठे जो हर घर में बनते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बनाएंगे आज चने की दाल के पराठे। दोस्तों, चने की दाल के पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो इसको करेंगे हम आंवले के अचार के साथ सर्व। और चने की दाल के जो पराठे होते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही इजी तरीके से बनते हैं। तो चलिए आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया चने की दाल। ये चने की दाल मैंने पूरी रात भिगोई थी और उसको 2 सीटी दिला दी है बॉईल करके। तो ये पूरी रात भिगो के रखी थी और 2 सीटी लगाएंगे दोस्तों, तो उसके बाद अच्छे से गल जाती है दाल। तो इसका सारा पानी ड्रेन कर लीजिएगा, ये इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। तो इसे किसी भी मैशर की मदद से इस तरह से मैश कर लेंगे। ये ड्राई होनी चाहिए दाल। जब आप इसे बॉईल करके निकालेंगे तो आप इसे किसी छन्नी में डाल दीजिए या किसी चुन्नी में लपेट के बांध दीजिए, ताकि जितना भी इसका पानी हो उसको सारा ड्रेन हो जाए। क्योंकि अगर आप ये पानी ड्रेन नहीं करेंगे तो आपके आटे में जब स्टफिंग को भरेंगे तो वो गीला होकर फट भी सकता है पराठा, तो दिक्कत भी आ सकती है। तो इस तरह का ध्यान आप रखेंगे तो बहुत ही आराम से आपके चने के पराठे बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार लूंगा नमक इसके अंदर। यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लेंगे अमचूर पाउडर, और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और आप हरी भी डाल रहे हैं तो लाल और हरी का बैलेंस करके चलिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं डालूंगा खूब सारा धनिया पत्ती। तो मसाले आप इसमें और भी डाल सकते हैं, जो आपको समझ आए तो आप डाल सकते हैं। बाकी सिंपल मसालों से ही आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने हींग स्किप कर दिया है, तो एक बार हींग आप जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि चने के दाल के पराठे होते हैं थोड़ा सा हैवी होते हैं, चने की दाल को डाइजेस्ट करने में हींग बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो आप हींग जरूर डालिएगा, मैंने डाला था पर स्किप हो गया। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो कोई भी एक पेड़ा ले लेंगे आटे का। तो सबसे पहले तो इसे अच्छे से रोल कर लेंगे, और यहाँ से देखिए पीच से मोटा रखना है और साइडें इसकी पतली करते जाना है। तो इस तरह से हाथ से करेंगे। अगर आप बीच से पतला रखेंगे, मोटा रखेंगे, तो साइड से पतला रखेंगे ना, तो स्टफिंग बहुत ही अच्छी तरीके से भरी जाएगी और ये जो है ना फटता नहीं है फिर, और स्टफिंग जो है वो आराम से भरी जाएगी, बाहर नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो चलिए स्टफिंग इसके अंदर भर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़े चम्मच स्टफिंग ली है। आप स्टफिंग उतनी ही भरिए जितनी आपके पेड़ा हो, उसी के हिसाब से आप स्टफिंग को फिल करिएगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्टफिंग कर देंगे तो फिर पराठा फटने का डर रहता है। तो इस तरह से साइडों को कोने से पकड़ते हुए इसे अच्छे से सील कर देंगे, और सारी स्टफिंग को बीच में करते हुए सारी साइड से अच्छे से सील करना है इसे। तो देखिए कुछ इस तरह से इसे सील करना है, और पेड़े को इस तरह से दबा के, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा इसमें सूखा आटा। तो सूखा आटा लगाकर इसे अच्छे से रोल करेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों, बहुत ही हल्के हाथ से इसे बनाना है। ज़्यादा इस पर प्रेस नहीं करना, अगर ज़्यादा प्रेस करेंगे तो फिर स्टफिंग बाहर आना शुरू हो जाती है। तो छोटी छोटी बातों का अगर आप भी ध्यान रखेंगे ना दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे पराठे बनेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने सूखा आटा लगा लिया, और हल्के हाथ से इसे बेलना है। तो सारी साइड से इसे घुमाते जाएंगे और बेलते जाएंगे, तो ये किनारी जो है ना बिल्कुल भी नहीं फटेगी। अगर आप स्टफिंग ढंग से भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बार क्या होता है दोस्तों, ये बबल्स आना शुरू हो जाते हैं, तो हल्के हल्के से आप हाथ से इसे बैठा सकते हैं। तो इस तरह से अच्छे से रोल करेंगे, इसे अच्छे से रोल करते हुए सारी साइड से घुमाते घुमाते इसे अच्छे से बेल लेंगे। तो देखिए पराठा हमारा कहीं से भी नहीं फटा है, स्टफिंग कहीं से बाहर नहीं आ रही है। तो अगर ये छोटे छोटे से टिप्स आप अपनाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छे पराठे बनेंगे। चाहे वो आलू का पराठा हो, चाहे वो गोभी का पराठा हो, चाहे किसी भी चीज़ का पराठा भी आप बनाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चने की दाल में खासकर एक दो बातों का तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कि पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और स्टफिंग उतनी ही होनी चाहिए जितनी उसके अंदर आ सके। तो मैंने यहाँ पे निकाल ली है तवे के इसमें प्लेट पे इस तरह से। तो इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लूंगा। तो करना वही प्रोसेस से है, साइडों से पहले पतला करते जाना है और बीच के जो पार्ट है उसे मोटा ही रखना है। क्योंकि जब बीच में से मोटा रहेगा ना, तो स्टफिंग पूरे पराठे के अंदर आएगी
और आराम से स्टफिंग भरी जाएगी, जब बेलते वक्त ना फटेगा नहीं ये। तो चलिए इसमें स्टफिंग भर लेते हैं और चारों साइड से सील कर लेंगे। स्टफिंग उतनी ही भरी है जितनी इसके अंदर आ जाए, तो ज्यादा ओवर स्टफिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो देखिए हाथ की मदद से इसे अच्छे से बीच में करेंगे और अंगूठों की मदद से दबाते हुए स्टफिंग को सारी साइड से अच्छे से सील कर लेंगे। इस तरह से देखिए घुमा के, जैसे मैं घुमा रहा हूँ इसी तरह से आप घुमा के सील कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा बनेगा पराठा। और जितना भी अगर एक्स्ट्रा कुछ आपका आटा ऊपर बचता है तो आप उसको इस तरह से रोल करके हटा दीजिए। उससे ये होता है कि आपके जो पराठे होते हैं उसके अंदर स्टफिंग पूरी मिलती है और आटे का स्वाद नहीं आएगा इतना। जो मोटा मोटा आटा आ जाता है ना, कई बार खाते हो कच्चा आटा आ जाता है, तो वो दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलिए वही करना है, सिंपल और हल्के हाथ से बेलना है और सारी साइड से घुमाते जाएंगे और इसे अच्छे से बेलते जाएंगे। तो बस इन्हीं बातों का आप ध्यान रखेंगे ना तो पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आप घुमाते जाइए और हल्के हल्के हाथों से बेलते जाइए। सूखा आटा जरूर लगाइए, नहीं तो बेलने के साथ ये चिपकना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से घुमाते हुए गोल गोल रोटी बेलेंगे। तो दोस्तों रोटी देखिए कितनी अच्छी गोल गोल बेल रही है, बाकी मेरे को इस तरह से आप बेलेंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से बेलेगी। तो चलिए ये बेल के हमने रख ली है, तो इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी तरह से जो है ना, ये देखिए हल्का सा अगर आपका स्टफिंग लग भी रहा है, आपको बाहर आ रही है, तो उसमें हल्का सा सूखा आटा लगा दीजिए। तो लीजिए ये भी रोटी हमने बेल के रख ली है, तो इस तरह से जो है ना ये देखिए, तो इसको भी प्लेट पे निकाल देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी थी, आपको जरूर बताऊंगा मैं। तो मैंने ना जो रोटी है वो बेल बेल के रख ली थी, तो ये थोड़ी सी गीली हो गई थी, तो इसीलिए थोड़ा सा फटना शुरू हो जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप बेलते जाएं फटाफट इसे सेकते जाएं। तो इस तरह से देसी घी लगाकर इसे अच्छे से सेक लेंगे दोनों साइड से अलट पलट कर। तो आप चाहें तो रिफाइंड में भी सेक सकते हैं। तो ये सरसों के तेल में भी दोस्तों बहुत ही अच्छी बनती है। तो इस तरह से दोनों साइड से अच्छे से इसे अलट पलट कर क्रिस्पी और क्रंची होने तक सेक लेंगे। तो आप दूसरी साइड लगाएंगे देसी घी और अलट पलट कर अच्छे से सेकेंगे क्रिस्पी और लाल होने तक। तो ये देखिए पराठा बनकर तैयार हो गया है। चने की दाल का पराठा दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप आलू का, प्याज का, गोभी का पराठा अगर खा के बोर हो गए हैं, तो इस तरह के पराठे आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं दोस्तों। और अगर इस टाइप की वीडियो आपको मेरे चैनल पर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूं। और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, गर्मियां आ गई हैं, बहुत ही ठंडी ठंडी वीडियो लेके आऊंगा ड्रिंक की, समर ड्रिंक की। तो इस तरह से इसे अच्छे से एक साइड से सेकेंगे, फिर दूसरी साइड से पलट कर देसी घी लगाएंगे और देसी घी लगाकर फिर इसे दूसरी साइड से सेकेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया देसी घी, तो चलिए इसे अब पलट लेंगे। पलट के दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे क्रिस्पी और गोल्डन होने तक। तो मुझे तो दोस्तों ये चने के पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोनों साइड से अच्छे से देसी घी लगाएंगे और अच्छे से अलट पलट कर सेक लेंगे। तो बनकर तैयार हो जाते हैं हमारे बहुत ही टेस्टी से पराठे। तो करते हैं इसे सर्व। तो लीजिए बनकर तैयार है ये भी पराठा, तो करते हैं इसे सर्व। तो ये लीजिए, इंजॉय कीजिए आप। इसे आंवले के अचार के साथ मैंने सर्व किया था, आंवले का अचार बहुत ही टेस्टी लगता है इसके साथ, कोई भी पराठे के साथ। और आंवले की ये इंस्टेंट रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है, तो आप जरूर वहां पे जाके देखिएगा। तो इसे करेंगे हम देसी घी के साथ सर्व। देसी घी तो पराठों की जान होती है दोस्तों, तो अच्छे से देसी घी लगा लीजिएगा, देसी घी थोड़ा गर्म कर लीजिएगा, क्योंकि सर्दियाँ थी तो सर्दियों में थोड़ा देसी घी जम जाता है। तो जैसे जैसे आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो देसी घी जमना बंद हो जाएगा। तो ये बनकर तैयार हो गया बहुत ही टेस्टी सा। तो यहाँ से करेंगे धनिया की पत्ती से सर्व इसे गार्निश करके। तो लीजिए बनकर तैयार है बहुत ही टेस्टी से चने की दाल के पराठे। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ और भी अच्छे अच्छे पराठे लाता रहूँ, आप मैं बनाता रहूँ और आप खाते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।